Hello everyone, how are you all? I am great and I am so glad today to come back again after a long time. And I think it is up to 2 years I couldn't upload a single video. But yes, from today inshallah I will upload lesson plans, lesson plan tips, some important notes of BEd and many more things that will be very beneficial and helpful for all of you. So let's start and welcome back again to my YouTube channel Lesson Plan Adda. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब हमारा जो प्रकरण है वो है बहुपद. सबसे पहले हम जब भी लेसन प्लान लिखते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, जैसे विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक या अध्यापिका का नाम, दिनांक, वर्ग, विषय, प्रकरण, उपप्रकरण, कालांश और अवधि. नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य. तो सामान्य उद्देश्य क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हर जितनी भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबका सामान्य उद्देश्य जो है अलग होते हैं. जैसे अंग्रेजी जो है उसका सामान्य उद्देश्य अलग होगा, गणित का अलग होगा, साइंस का अलग होगा. सो आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य क्या है. सबसे पहला है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना. दूसरा, छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से छात्रों में अनुशासन बनाए रखना. तीसरा, छात्र छात्राओं में गणितीय ज्ञान से मूल्यों की प्राप्ति हेतु छात्रों में क्षमता उत्पन्न करना. और चौथा है गणितीय ज्ञान के प्रयोग करने का रुचि उत्पन्न करना. नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य, मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. तो किसी भी टॉपिक्स या किसी भी विषय या किसी भी पार्ट को पढ़ाने में जिस उद्देश्य की प्राप्ति होती है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है. फॉर एग्जांपल विशिष्ट उद्देश्य जो है और क्या कि विशिष्ट उद्देश्य जो है सामान्य उद्देश्य पर आधारित होता है. और उद्देश्य जो है जो आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रकरण से संबंधित होता है. मतलब जैसा आपका जो आपका प्रकरण होगा आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वही होगा. जैसे यहाँ पर बहुपद है तो बहुपद से हम क्या सीखेंगे ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में लिखा जाएगा. फर्स्ट, छात्र छात्रा चर क्या है समझेंगे. दूसरा, छात्र छात्रा अचर क्या है क्या होता है जानेंगे. तीसरा, छात्र छात्रा बहुपद के बारे में जानेंगे. और चौथा है छात्र छात्रा घात क्या होता है समझेंगे. पांचवा, छात्र छात्रा रैखिक बहुपद क्या होता है समझेंगे. नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं शिक्षण विधि, मतलब आपका टीचिंग मेथड्स. इसमें क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ किया जा सकता है, जैसे व्याख्यान विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा प्रश्न उत्तर विधि. नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री. तो शिक्षण सामग्री टीचिंग एड्स, किसी भी पाठ या विषय को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है, इसमें इस चीज़ को लिखा जाता है. जैसे खल्ली हो गया, झाड़न, संकेतक, लपेट, श्यामपट, चार्ट, प्रतिमान और चौक. छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्र या छात्रा चर अचर के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं. नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न, मतलब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. सबसे पहले इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र या अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन और छात्र संभावित उत्तर. इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के माध्यम से हम छात्रों से कुछ सवाल जवाब करेंगे जिससे हमें उनके प्रीवियस नॉलेज के बारे में पता चलता है. फर्स्ट, एक्स वाई जेड ये कौन सी संख्या है, तो छात्र उत्तर दे सकते हैं चर. दूसरा, 1 2 3 ये कौन सी संख्या है, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा अचर. तीसरा, 2x, x क्यूब और 4x आदि क्या है, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा बीजीय संख्या. चौथा, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या हो, जैसे 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, उसे क्या कहेंगे, तो छात्र का संभावित उत्तर होगा बहुपद. नेक्स्ट इज उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट. सो आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ाई करेंगे या आज हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रस्तुतीकरण. इसमें छात्रों के सामने नवीन ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है. इसमें हमें 6 कॉलम्स बनाना होता है. फर्स्ट होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरा होगा छात्र संभावित उत्तर, चौथा होगा श्यामपट कार्य और पांचवा होगा मूल्यांकन.
ठीक है, तो इसमें पांच कॉलम आपको बनाने होंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र संभावित उत्तर, श्याम पट कार्य और मूल्यांकन। तो हमारा शिक्षण बिंदु है बहुपद। यहाँ पे सबसे पहले हम संकेत, मतलब आपका जो चार्ट पेपर वर्क होगा उसको छोटा सा आपको यहाँ पे चिपकाना होता है। बहुपद, बहुपद 2x+4 इज इक्वल टू रैखिक बहुपद, और बहुपद 2x2+4 इज इक्वल टू द्विघात बहुपद। छात्र अध्यापिका, अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन में देखेंगे, इसमें हम व्याख्यान करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग एक चर वाले बहुपद एवं उसकी घातों के बारे में अध्ययन उसके घातों के बारे में अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि चर बड़ी घात, मतलब जो घात मीन्स होता है पावर, ठीक है। हम जानते हैं कि चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या है? हम जानते हैं कि चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स की सबसे बड़ी घात, मतलब जो पावर है, वो बहुपद की घात कहलाती है। उदाहरण के लिए 4x+2 चर एक्स में घात एक का बहुपद है। 2y²-3y+4 चर वाई में घात दो का बहुपद है। कॉमा 5x²-4x²+x-√2 चर एक्स में घात तीन का बहुपद है। 7u²6-3/2u²4+4u²u-8 चर यू में घात सिक्स का बहुपद है। घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के लिए 3x+7, √3x+5, 2x+3, y+√2, 3z+4 इत्यादि सभी रैखिक बहुपद है, जबकि 2x+5-x², x³+1 इत्यादि बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। इतना बताने के बाद हम क्या लिखेंगे? विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम जो भी पढ़ाए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं। फर्स्ट, 4x+2 में x में कितना घात है? छात्र का संभावित उत्तर क्या होगा? 1, एक घात है ना। नेक्स्ट, 2, एक रैखिक बहुपद का उदाहरण दे। तो उदाहरण क्या हो सकता है? 4x+2, ये संभावित उत्तर होगा। तो जब टीचर जो है व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा श्यामपट कार्य है, जिसमें है बहुपद, रैखिक बहुपद जिसका घात एक हो। उदाहरण 2x+4, 8x+5। फिर द्विघात बहुपद जिसका घात दो हो। उदाहरण 2x²+4 और x², 8x²+5 त्रिघात बहुपद जिसका घात तीन हो। उदाहरण 3x³+2, 4x³+4। उसके बाद मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या करते हैं? अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए ऐसे प्रश्न जो है उसको पूछा जाता है, जिससे टीचर को यह ज्ञात हो जाता है कि बालकों ने क्या किया, नवीन ज्ञान अर्जित किया है। जैसे फर्स्ट है, बहुपद से आप क्या समझते हैं? दूसरा, चर तथा अचर संख्या से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे, फिर से आपको नेक्स्ट पेज में एक कॉलम बनाना होगा, जिसमें फिर से आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलन, श्याम पटकार सॉरी छात्र संभावित उत्तर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन के बाद जो नेक्स्ट होगा आपका टॉपिक ऊपर में, वो होगा छात्र संभावित उत्तर। उसके बाद आपका आता है श्यामपट कार्य, उसके बाद मूल्यांकन।
नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन होगा छात्र घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसमें हम छात्रों को द्विघात बहुपद के बारे में बताएंगे। घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ग। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कॉमा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू बाई फाइव कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सेवन बाई सिक्सटीन कॉमा रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स प्लस सिक्स रूट थ्री कॉमा वाई स्क्वायर माइनस टू। उसके बाद u बाई थ्री माइनस टू यू स्क्वायर प्लस फाइव कॉमा टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री एक्स कॉमा रूट फाइव माइनस टू बाई थ्री आदि। द्विघात बहुपद का कुछ उदाहरण है। विस्तार में x में कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं है और a इज नॉट इक्वल टू जीरो के प्रकार का होता है। घात तीन के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण है टू माइनस एक्स क्यूब कॉमा एक्स क्यूब रूट टू एक्स क्यूब कॉमा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। त्रिघात बहुपद का विस्तृत रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जहाँ पर ए बी सी डी वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब बहुपद पी अंडर ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर की देखेंगे। इस बहुपद में x इज इक्वल टू टू रखने पर p अंडर ब्रैकेट टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टू एक्स टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस सिक्स। सो ये एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो छात्र का संभावित उत्तर यहाँ पे छात्र संभावित उत्तर लिखेंगे जिसमें छात्र क्या करेंगे ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन लिखा जाता है। छात्र संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप। तो छात्र या छात्रा जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है जिसमें क्या है बहुपद, इसमें हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में लिखेंगे। त्रिघात बहुपद का विस्तृत रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जहाँ पर ए बी सी डी वास्तविक संख्या है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी अंडर ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर जब एक्स इज इक्वल टू टू। सो इसलिए पी अंडर ब्रैकेट टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू फोर। सो टू स्क्वायर का फोर हो जाएगा माइनस थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा माइनस फोर। सो प्लस माइनस कट जाएगा बचेगा माइनस सिक्स। मूल्यांकन में हम क्या जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसमें अपने से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप अराइज करके डाल सकते हैं ताकि आपको बच्चों के नॉलेज के बारे में पता चले कि वो कितना सीखे। सो फर्स्ट है द्विघात बहुपद। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पहला रैखिक बहुपद क्या है, दूसरा द्विघात बहुपद का एक उदाहरण दें, तीसरा त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण दें। उसके बाद है गृह कार्य। सो रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद का एक एक उदाहरण लिखें। दूसरा 4x क्यूब प्लस बी एक्स प्लस फाइव में x का घात कितना है लिखें। सो यहाँ पे लेसन प्लान एंड होता है बहुपद का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।